आशा है आप सभी जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने एग्जाम को लेकर के सजग रूप से तैयारी कर रहे होंगे। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित है इस बात को लेकर के कि जो अभी बात उठ रही है कि सिलेबस चेंज हो सकता है और कैसा हो सकता है सिलेबस चेंज। आप सभी जानते हैं कि जब एक तैयारी करना शुरू करता है विद्यार्थी, तब वो एक निश्चित सिलेबस को लेकर, एक निश्चित पैटर्न को लेकर के तैयारी करता है, और जब उस निश्चित सिलेबस, निश्चित पैटर्न में ही चेंज की बात आ जाती है तो फिर वो बच्चा बड़ी दुविधा में फंस जाता है। इन सभी दुविधाओं का उत्तर देने के लिए हमने सोचा कि हम एक सेमिनार का आयोजन करें, लेकिन हमने सेमिनार का आयोजन इसलिए करना कैंसिल कर दिया क्योंकि इसमें बिलासपुर और आसपास के बच्चे तो जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रदेश भर से जो बच्चे हैं वो हमसे जुड़ नहीं पाते हैं, दूर दूर से आ नहीं पाते हैं। और दूसरी बात ये कि गर्मी का मौसम है, तो आप सब अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में, लाइब्रेरी में, कमरों में, जहां पर भी आप बैठ करके पढ़ते हैं, आप हमसे जुड़ेंगे। वोट डालिए 7 तारीख को, वोट करना ना भूलें। उसके बाद 8, 9, 10 और 11 चार दिन शाम को 7:30 बजे ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिनको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जो लगभग यूपीएससी के हिसाब से ही सिलेबस है जिसका, एमपीपीसीएस, एमपीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करवाने के का जिनको पढ़ा एक लंबा अनुभव रहा है, ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ ये डिस्कशन होगा। आपकी सभी दुविधाओं का, आपकी सभी आशंकाओं का उत्तर वहां पर दिया जाएगा कि सर यूपीएससी की तर्ज का मतलब क्या है, क्या पूरा का पूरा सिलेबस कॉपी किया जाएगा, या यूपीपीसीएस का सिलेबस कॉपी किया जाएगा, या एमपीपीसीएस का सिलेबस कॉपी किया जाएगा, क्या सब्जेक्ट्स में परिवर्तन होगा, कौन से नए विषय जुड़ेंगे, कौन से पुराने विषय हटेंगे, क्या छत्तीसगढ़ बीएस में भी चेंज होगा, क्या पेपर वाइज ये चेंज होने वाला है, क्या क्वेश्चन के पैटर्न्स में चेंज होगा, ये सारी आशंकाएं, इन सारी दुविधाओं का आपको उत्तर मिलने वाला है इन 4 दिनों में। तो जरूर कॉम्पिटिशन कमेटी के साथ जुड़िए 8, 9, 10 और 11 मई को, और 7 मई को संविधान के लिए जरूर आप मतदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।